तो जी कहानी ये है कि गाड़ी में इस समय पे फ्यूल इतना कम है कि मुझे डर लग रहा है कि भाई अभी बंद होगी या तभी बंद होगी। लेकिन इस आपदा को कंटेंट में बदलने के लिए हम एक टेस्ट करने वाले हैं, और टेस्ट इस चीज का कि अगर आपकी गाड़ी एसी ऑन करके एक घंटे तक एक जगह पे स्टेशनरी खड़ी रहती है। बहुत से लोग कारोबार करते हैं, कारोबार जिन लोगों को समझ नहीं आया तो मतलब बहुत से लोग खाना पीना करते हैं, बैठते हैं गाड़ी के अंदर, एक एक घंटा रेस्टोरेंट के आगे बैठे रहते हैं। तो आजकल ये शाम को निकल के दोस्तों के साथ गप मारने वाला कल्चर जो है वो बहुत आई है, मेरे ख्याल से आप भी करते ही होंगे। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई साहब एक घंटे में अगर एसी चला के हमारी गाड़ी एक ही जगह पे स्टेशनरी खड़ी रहती है तो कितना तेल लगता है। तो ये टेस्ट हम करने वाले हैं। तो गाड़ी बंद कर देते हैं पहले, जब भी आप पेट्रोल भरवाएं गाड़ी जरूर बंद कर दें। और इसको कहाँ से ये फुल भर दो सर पेट्रोल, ब्रिम टू ब्रिम, मतलब पूरा एकदम ऊपर एंड तक भर देना है हमने। उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। जीरो जीरो बस, हाँ ठीक है सर। जो लोग नोएडा का रेट जानना चाहते हैं उनके लिए 96 रुपये चल रहा है आज की रेट में। तो ये फर्स्ट कट हो गया, लेकिन हम इसको ब्रिम टू ब्रिम करेंगे तो थोड़ा सा मतलब फुल करना है हमें। तो इसको हिला हिलू के भी करते हैं क्या अभी, जब तक ऊपर देखते हैं, ध्यान पूर्वक करेंगे हम इसको, है ना। अब हो गया मेरे घर, है ना। हाँ साहब, थोड़ा पाइप उप में जाता है ना। हाँ, तो हो गया है अब ये, और ये हो गया है कुछ 4100 रुपये के आसपास का, 42 लीटर जो है वो पूरा भर गया है ब्रिम टू ब्रिम। अब हम दूसरी बार जब चेक करेंगे तो दोबारा भरवाएंगे एक घंटे बाद, देखते हैं कितना तेल लगता है। हो गया, चलो पेमेंट तो हो गई है जी। और यहाँ गाड़ी खड़ी कर लूँ? ठीक है चलो यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और देखते हैं कितना तेल लगेगा अब हमारा एक घंटे में यहाँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:38 और अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये गाड़ी जो है वो एसी शुरू हो गया है। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं और गाड़ी जो है वो साइड में खड़ी करते हैं ये देखने के लिए कि कितना तेल भाई साहब लगेगा। तो अब ये छाया में धूप में, तो मैं आधी छाया आधी धूप में खड़ी कर देता हूँ अपना, बड़ा साइंटिफिक टेस्ट हो रहा है। चलो फिलहाल अब हम एक घंटा यहाँ पे इंतजार करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अब तक जो हमने इंटरनेट पर टेस्ट देखे हैं वो ओबीडी टेस्ट देखे हैं, मतलब हमने ओबीडी लगाई और उसके अंदर ओबीडी बताता है कि भाई साहब कितनी कंजप्शन इस समय पे इंजन फ्यूल की कर रहा है। तो दैट नंबर कम्स फ्रॉम ECU। तो हम लोगों ने टेस्ट किया था वहां से, हमारे पास ये नॉट हम लोगों ने मतलब रवि भाई ने टेस्ट किया था, तो वहां से हमारे पास ये नंबर है कि करीब 800 मिलीलीटर से 1 लीटर के आसपास जो है वो तेल लगता है। उन्होंने टियागो में टेस्ट किया था, वो 1200 सीसी थी, ये भी 1200 सीसी है, और 1200 सीसी के बाद ये टर्बो भी है। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। तो अभी प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, अभी हमारे पास साइंटिफिक वाला जो इनकी ECU बताती है वो वाले नंबर तो है, और देखते हैं भाई सब क्या होता है। तो अब वेट करना मुझे, तो मैं देखता हूँ कुछ रील वील देखनी शुरू करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक घंटे के बाद। तो ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, और वापस गाड़ी मैंने घुमा के लगा दी है पंप के सामने। तो अब फटाफट से भरवाते हैं और देखते हैं भाई सब कितने का भरता है। ब्रिम टू ब्रिम भरवाएंगे और सच्चाई का खुलासा होगा कि सच में क्या सिर्फ 1 ही लीटर के आसपास लगता है या कुछ ज़्यादा लगता है। तो देखते हैं, गाड़ी कर दी है बंद, अच्छा भाई भर देते हैं फुल। जीरो हो गया, डीजे वाला नहीं है ये, डीजे नहीं है, फुल ही है लगभग, खाली ऊपर तक भरना है आपने, बस फुल है लगभग। जीरो सर। हाँ जीरो हो गया सर। हो गया ठीक है। तो भाई साहब फुल हो गया और देखते हैं कितने का भरा है। 103 रुपये, मतलब 1 लीटर के आसपास जो है वो लगा है। अब थोड़ा सा हमने गोल घुमा के भी लाए हैं तो इतना लग गया होगा। तो